मैं हूँ आरजे रौनक विद दी एनक, एफएम तड़का पे आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त और डिजिटल मीडियम पे बिल्कुल आप देख रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ हैं यहाँ के आईजेक्ट यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर संतोष चौबे जी, श्री संतोष चौबे जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद, थैंक यू। और सर ये जो पूरा जो कंसेप्ट है पुस्तक यात्रा का, जो हमने पिछले बार भी कवर किया पूरा, काफी लोग सराह रहे हैं क्योंकि पूरे बिहार में 12 जगह जो हो रहा है जी। तो सर ये कंसेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता चला पिछली बार हमने बताया भी रेडियो पे कि ये जो आइडिया था वो आप नहीं दिया था, तो ये कहाँ से आइडिया आया सर, उसके बारे में कुछ? देखिए आईसेक जो हमारा नेटवर्क है वो कई तरह से समाज के बीच में जाने की कोशिश करता है। और हमें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी और आईटी की बहुत ज़रूरत तो है, लेकिन उसने लोगों को किताबों से दूर भी किया है और पुस्तक संस्कृति के विकास की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो ज्ञान पुस्तकों से मिलता है और जो ज्ञान हमें हमारी पारंपरिक पुस्तक संस्कृति से मिलता है वो शायद उस टेक्नोलॉजी से नहीं प्राप्त हो पाता। और जो पढ़ने का रस है, जो हमारी लिपि है, हमारी भाषा के प्रति प्रेम है, वो किताबों के साथ ही उपजता है। तो जैसे कि अब सोशल मीडिया पे भाषा जो लिखी जा रही है वो वैसी नहीं है जो हम हाथ से लिखते थे या लिपि पे लिखते थे, तो लिखना भी धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। तो लोग लिखें, पढ़ें, पुस्तकों के करीब जाएं और जो रस उनसे मिलता था, जो ज्ञान उनसे मिलता था वो प्राप्त करें, ये इसका मूल उद्देश्य है जी। और इसके लिए लोगों तक जाने के हिसाब से ये पुस्तक यात्रा निकाली गई जी। तो आज 16 सितंबर के दिन यहाँ पर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी वैशाली में रचना पाठ का भी कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे बहुत सारे कवि आए थे, कवियत्री आई थी और बहुत सारे लोगों ने कहानियां भी सुनाई, कविता के साथ साथ कहानियों का भी पाठ हुआ था। और बहुत अच्छा रहा सर, आज के इवेंट के बारे में बताया, आज जो हुआ उसका उपदेश क्या था और इस इवेंट में वो किस तरीके से भागीदारी है उसकी? पुस्तक यात्रा के साथ साथ हम लोग रचना पाठ की श्रृंखला भी चला रहे हैं जी, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि जो पुस्तकों में है क्या और कौन लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहानीकार आए थे यहाँ पर, कवि आए थे, भोपाल से मुकेश वर्मा जी थे, महेंद्र गगन जी थे, बलराम कुमार था, ये सब बड़े लोग हैं देश के। और अपने बिहार से उषा किरण खान जी थी, राकेश बिहारी थे, कविता थी, और भी पंखुरी सिन्हा थी। तो ऐसे बिहार के भी सभी साहित्यकार, मध्यप्रदेश और देश के साहित्यकार मिलकर साहित्य को बढ़ाने की कोशिश करें, ये काम था। तो विश्वविद्यालय में आज रचना पाठ हुआ लगभग 2 सत्रों में, कहानियों कविताओं के सत्रों में, और बच्चों ने खूब सराहा और मुझे ऐसी पूरी आशा बनती है कि बच्चे ये सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और निराशा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। किताबें निश्चित ही आगे जाएंगी। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर जो किताबों में जो फील है वो कितना भी बुक आ जाए, ई बुक्स आ जाए, आप जितना भी पढ़ लें नेट पर, वो फील नहीं आएगा, मतलब वो पन्नों की जो खुशबू होती है सर, और कहीं ना कहीं उससे जो दिल का कनेक्शन होता है सर, वो उसके बारे में बताएं, क्योंकि लोग शायद जिन्होंने आजकल जो लोग पैदा हो रहे हैं उनकी बात करें, यंग जनरेशन की बात करें, तो दे डो नॉट वॉन्ट टू यू नो रीड अ बुक, बुक पढ़ना बहुत दूर की सर। तो पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है मुजफ्फरपुर में, सब आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनको बताएं प्लीज। हमने इसमें जो एक थीम रखी है वो सफदर हाशमी की कविता है। अच्छा। जो कहती है कि किताबें करती हैं बातें, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में जीवन गुनगुनाता है, किताबों में रस का की पहचान होती है। मुझे लगता है कि जो हम किताब से एक तादाद में महसूस करते हैं, जो अपना उससे कम्युनिकेशन बना पाते हैं, वो टेक्नोलॉजी से नहीं बना पाते। जो जो शब्द हमारे दिमाग में और जो रस हमारे दिमाग में आता है वो किताबों से ही संभव है। कुंवर नारायण की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि किताबें मेरे पास आके बैठ जाती हैं, फिर धीरे धीरे मुझे मित्र बनाती हैं, फिर खुलती हैं और फिर मैं धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता हूँ। तो ये जो बात है ये तो किताब से ही संभव है, ये टेक्नोलॉजी से नहीं। बिल्कुल सर, तो मैं चाहूंगा सर आप भी काव्य से जुड़े हुए हैं और साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा सर आप कुछ अगर अपनी लिखी हुई कविता या कुछ भी सुनाएं, कोई शेर, कोई कविता। चलिए मैं एक बहुत छोटी सी कविता आपको सुना देता हूँ, आपने कहा तो इसलिए, जो सब सुन रहे हैं और सब सुनना चाहते हैं, हमारे देख रहे हैं डिजिटल मीडियम पे, हमारे लोगों के आगे बढ़ने की बात है। छोटी सी कविता है, कहो कि कहने की आदत रहे, कहो कि कहने की आदत रहे, सहो कि दिलों में प्यार की इबारत रहे, बहो कि दुनिया में जोश और बगावत रहे, कहो सहो और बहो कि कम से कम आदमी तो रहो। वाह वाह वाह, कहो सहो बहो कि कम से कम आदमी तो रहो। बहुत सर, बहुत खूब सर। और सर और आगे के जो अभी प्रोसेसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप बता सकें कि क्या होने वाला है, कि हमें पता है पटना में बल्कि पिछले बार जब आए थे, लेकिन
किस तरीके से साहित्य से वो जुड़ा हुआ है वो भी बताएं। ये पुस्तक यात्रा की समाप्ति के बाद हम लोग सब दिल्ली में एक बड़ा व्याख्यान अच्छा। कर रहे हैं जो 11 अक्टूबर को होगा, और एक विश्वरंग के नाम से विश्व साहित्य सम्मेलन भोपाल में होने जा रहा है जो 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होगा। इसमें लगभग 30 देशों के लेखक और कवि आ रहे हैं और 15 भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स और बच्चे भी आ रहे हैं। विश्व कविता पर 2 सत्र हैं, हिंदी में विश्व में जो काम हो रहा है उस पर सत्र हैं, थर्ड जेंडर पर भी हमने एक सेशन रखा है, फिर युवाओं की कविता, युवाओं की कहानी और हमारे युवा किस तरह से देखते हैं इस तरह से है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा है, बैंड्स हैं युवाओं के लिए बैंड्स हैं जिसमें। तो ये सारा नवंबर में हो रहा है भोपाल में? नवंबर में हो रहा है अच्छा। और अभी हाल में पटना में 21-22 को जो है उसमें ज़रूर आप सब के आपके श्रोता आ सकते हैं, उसमें चचा छक्कन एक लखनऊ का प्ले है जो कॉमेडी प्ले है उसमें लोग आएँ, फिर एक फोक परफॉर्मेंस है उसमें भी लोग आ सकते हैं, एक बैंड भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारे लोग रहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप 21-22 में आएँ और हो सके तो भोपाल पधारें, हम लोग आपको सबको होस्ट करेंगे और हमें बड़ा मजा आएगा अगर आप मिलेंगे तो। बिल्कुल, तो जो लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पर और जो लोग सुन रहे हैं मुझे एफएम तड़का पे, तो 20-21-22 तारीख को पटना में कार्यक्रम होने जा रहा है, अलग अलग जगहों पर या ये वेन्यू एक ही है? प्रेमचंद रंगशाला में। राइट, प्रेमचंद रंगशाला में, और अलग अलग इवेंट्स हैं, बहुत सारे फोक म्यूजिक है, उसमें नाटक भी होने वाला है और बैंड भी आ रहा है, एक सूफी बैंड, तो बहुत ही कल्चरल एंड हो रहा है इस इवेंट का। जी जी, तो हम लोग बहुत पॉजिटिव है हिंदी को लेकर। अच्छा हाँ सर, एक और सवाल कि हिंदी से किस तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिव जो है वो हिंदी को लेकर है, हिंदी को आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स की शुरुआत हुई है हमारे देश में उसमें अंग्रेजी डोमिनेट करती है और अंग्रेजियत तो और एक तरह का इलिटिज्म उसमें छाया रहता है, तो इस फेस्टिवल में पूरी कोशिश है कि हिंदी पर जोर हो और हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में लाया जाए, तो ये पूरा फेस्टिवल ही एक्चुअली हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रख के हो रहा है और देश भर के लगभग 1000 साहित्यकार इसमें पहुंच रहे हैं, अधिकतर लोग हिंदी और अपनी भाषाओं के ही हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट है ये और हिंदी को लेकर इतना बड़ा इवेंट होना तो बनता है बिल्कुल। और एफएम तड़का पे सर हम सबको कहते हैं कि आप अपनी सुने, अपनी दिल की सुने, और हमारा जो टैग लाइन है वही है कि एफएम तड़का अपनी सुनो। तो सर आपने अपने लाइफ में कब अपनी सुनी और आपको लगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक सवाल है। एक्चुअली मैं 1982 में आईएएस में सेलेक्ट हुआ था, मैंने लगभग उस समय दिल की सुनी और मैंने आईएएस ज्वाइन नहीं किया अच्छा। और मैंने फिर संस्कृति और कलाओं और विज्ञान के प्रचार में काम करना तय किया, तो मुझे लगता है 1982 वो वर्ष है जब मैंने अपने दिल की सुनी, और जो आपको मॉडल दिए जाते हैं अपने समाज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा कि आपको ये अचीव करना है, उससे अलग हटकर कुछ नया रास्ता चुना। तो अब हम लगभग 20,000 केंद्र पूरे देश में चलाते हैं, ये सारे विश्वविद्यालय चलाते हैं और मुझे ये करने में बहुत आनंद आता है। तो मतलब 1982 में यू वर सेलेक्टेड एज एन आईएएस, यू मतलब आपने क्लियर किया वो पेपर, लेकिन सर ने बहुत बड़ा एग्जांपल है सर, आप सेलेक्ट ही हो गया था उसमें। अच्छा बिल्कुल, सर सेलेक्ट हो गए थे। जी सर बताइए। न सिर्फ रिटर्न में बल्कि मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, फाइनल लिस्ट में था, और मेरे साथ के लोग अब चीफ सेक्रेटरीज हैं और बड़े पदों पर हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, उस तरह से मैं शुरू से विज्ञान और साहित्य में ही हूँ। तो मतलब आपने खुशी का रास्ता चुना, कहीं ना कहीं मैं एक आनंद का रास्ता चुना। जी बिल्कुल ठीक है। एफएम तड़का पे जो लोग आपको सुन रहे हैं वो सब इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से भी और ये पूरी मुहिम से जो ये चल रहा है, ये पुस्तक यात्रा से भी जो कि डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में हो रहा है और ये बहुत सक्सेसफुल रहे, हम यही विश करते हैं। एफएम तड़का कह रहा है अपनी सुनो, आप देखते रहे एफएम तड़का और सुनते रहे एफएम तड़का 91.9 एफएम तड़का, अपनी सुनो।